थी। ये आपका एक लैब का शेड्यूल है, इस लैब के शेड्यूल में हम कुछ हमने डिस्कस कर लिया है इसके पहले। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में हमने कुछ एक्सप्लेन किया था आप लोगों को इसके पहले। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो होता है, एक एल्गोरिथम है जो कि किस टाइप की एल्गोरिथम है कोई बताएगा मुझे? मैंने इसके पहले वाले क्लास में कवर करा है। आपकी जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसकी यदि बात करें तो ये सारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इसका आप लोग फोटो ले लीजिएगा। हम इतने ही एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें, ठीक है? प्लीज इसका सब लोग पहले फोटो ले लें, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको सी या सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। उसके पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए सेशन, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें क्योंकि काफी टाइम से हम क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो एक स्टेग्नोग्राफी करके कंसेप्ट है आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, उसके लिए आज हम स्टडी करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा वो स्टेग्नोग्राफी। तो स्टेग्नोग्राफी वर्ड आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा इसके पहले आप लोगों ने सुना होगा स्टेग्नोग्राफी है क्या, होती क्या है, या स्टेग्नोग्राफी वर्ड के बारे में सुना होगा, क्रिप्टोग्राफी भी सुनी होगी। स्टेग्नोग्राफी एक टेक्निक है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही यूज होती है। इट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक यूज्ड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड नाउअडेज मेनी टेक्निक्स आर यूज्ड टू सिक्योर द डेटा। इन दिस वन मोर टेक्निक विच इज यूज्ड इज ऑल्सो नोन एज स्टेग्नोग्राफी। स्टेग्नोग्राफी ही एक टेक्निक है जो कि यूज हो रही है हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। एनी साइबर क्राइम दैट वेयर योर डेटा कैन बी नो टेकन बाय सम अदर अनऑथराइज्ड यूजर्स, दिस प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा और सिक्योरिंग डेटा, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, क्रिप्टोग्राफी, स्टेग्नोग्राफी, वाटर मार्किंग। तो स्टेग्नोग्राफी भी एक फील्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इशू नाउअडेज। अ ड्रास्टिक चेंज इमर्ज विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट टू एवरीवन व्हिच मेड इट पॉसिबल टू कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिजिटल कंटेंट इलीगली। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि नाउअडेज हमें लाइब्रेरी नहीं जाना होता है, नाउअडेज एवरी डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन। सो द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा इज ऑल्सो अकर्स nowadays because anybody can copy our data, anybody can you know use our data. Suppose there is a writer who have written a book, to ek writer hai usne ek book likha hai, but that book can be published by somebody else if very easy, because you need to just download that copy that and you have to you know do some changes, and after doing some changes you can write down your name. So replica making is become now very easy. सो अब कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट कंसेप्ट, सी बना होता है कंपनीज के काफी सारी वेबसाइट्स के नीचे। इट मींस वो कंटेंट उनने कॉपीराइट करा के रखा है, मतलब दैट इज आल्सो अ वे टू सिक्योरिंग योर डेटा। बट स्टेग्नोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, दीज ऑल आर दी टेक्निकल टेक्नोलॉजीज विच इज यूज्ड बाय दी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फॉर सिक्योरिंग दी डेटा। So to handle this issue, information security method play an important role. It may be classified into two categories, cryptography and other is information hiding. Cryptography or information hiding, both are the two different kinds of approaches which is used to secure the data. Cryptography अपने आप में एक बहुत बड़ी field है, बहुत बड़ा एक aspect है data को save करने के लिए। While on the other hand, you can save data either by hiding your data. तो हम दो टेक्निक यूज कर रहे हैं। The basic core concept is that in cryptography we will going to just change the you know rang roop of your data. पूरा form उसका change कर देंगे। But you can also save your data by hiding it. इसको hide करके भी save किया जा सकता है।
सो इन ऑर्डर टू हाइड योर योर डेटा स्टेगनोग्राफी एंड वाटर मार्किंग इज यूज्ड। दो टेक्निक है जो डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करती है एंड एक टेक्निक है क्रिप्टोग्राफी जो कि उसको इनक्रिप्ट करती है, चेंज करती है, उसके फॉर्मेट को ही बदल देती है। सो स्टेगनोग्राफी इज द आर्ट ऑफ हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज विद इन अ नॉर्मल मैसेज। सो स्टेगनोग्राफी एक तरीके की टेक्निक है वेयर द कोर कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन इज टू जस्ट हाइड योर डेटा। छुपा देते हैं हम हमारे डेटा को। अब हम हमारे डेटा को कहाँ छुपाएंगे? कोई पर्स नहीं होगा वहां पर, ऑब्वियसली बात है। हम मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सम डेटा लाइक टेक्स्ट, लाइक ऑडियो, लाइक वीडियो, लाइक इमेजेस। सो इफ यू वॉन्ट टू सेंड टेक्स्ट डेटा एंड इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर योर टेक्स्ट डेटा, देन यू विल जस्ट सेव दैट डेटा और यू जस्ट hide that data inside some other data। मतलब किसी और डेटा के अंदर हम अपने डेटा को छुपा के हाइड करके उसको सेंड कर देते हैं। ये टेक्निक आपकी स्टेगनोग्राफी होती है। मैं 2 मिनट के लिए वीडियो आपका चलो अपन ये पढ़ते हैं। इसके बाद जो रियल लाइफ हमारा कम्युनिकेशन है उसमें हम डेटा हाइड का काफी यूज करते हैं। On a computer, this is achieved by replacing the unused and useless data of a regular computer file with your secret message. अब इसमें कुछ terminologies use होती है, इसके बाद मैं आपको real life example के through समझा दूंगी। Steganography में कुछ एक concept है, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई cryptography में हमने बोला plain text है, cipher text है, encryption है, decryption है। सिमिलरली क्रिप्टो स्टेगनोग्राफी में भी कुछ अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। इसके खुद के अपने कीवर्ड्स हैं, सेट ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स हैं इन स्टेगनोग्राफी। दीज डिक्शनरी वर्ड्स आर कवर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट डिक्शनरी वर्ड इज कवर ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कवर ऑब्जेक्ट? इट इज द इनपुट इमेज, वीडियो, ऑडियो और द टेक्स्ट फाइल। कोई भी कवर का मीनिंग आप समझ रहे हैं, जैसे आपको अपने कपड़े लेकर के जाना है कहीं पर, तो आप यू नीड सम ब्रीफ केस, यू नीड सम बैग इन ऑर्डर टू कवर इट, इन ऑर्डर यू नीड सम पैकेट इन ऑर्डर टू कवर दैट। सिमिलरली यू वॉन्ट टू सेंड योर डेटा बट यू कैन सेंड योर डेटा विथ सम अदर डेटा, सो यू नीड टू कवर योर सीक्रेट डेटा, कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए जो हमारी डेटा है वो कोई भी इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है। Now, stego object. Stego बड़ा slang word है। Stego object is just a kind of object which is used in steganography. It is the data after the concealment of the secret data into the cover medium or the cover object. Stego object क्या है? मतलब जैसे ही हमारे data को हम cover कर देते हैं तो वो जो file बन के आती है उसको stego object कहते हैं। Embedding. Embedding क्या है? Embedding मतलब हम embed कर रहे हैं, हम हमारे cover object के ऊपर हमारा stego object को embed कर रहे हैं। अब stego object क्या है? Stego object simple है, जब हम हमारे data को छुपा देते हैं किसी और data के अंदर तो वो जो data आता है वो stego object कहलाता है। Embedding मतलब जो process हो रही है उस data को cover करने की, that is called embedding। Extraction, एक्सट्रैक्ट करना, जैसे विनरार की फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, आप उसको खोलते हो। सेम प्रोसेस हियर, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा बिकॉज़ डेटा कवर्ड मोड में आया है। मतलब किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है आपका। सपोज रक्षाबंधन अभी निकला है, यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट राखी फ्रॉम द एनवेलप, सो यू नीड टू ओपन दैट एनवेलप फर्स्ट। सो दैट प्रोसेस ऑफ ओपनिंग योर एनवेलप इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। एंड प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग मीन्स आपकी प्यारी बहना ने कोई भी राखी का जो धागा है उसको लिफाफे के अंदर रखा और पहुंचा दिया, दैट इज कॉल्ड एम्बेडिंग। शी ट्राई टू हाइड द ब्यूटी ऑफ योर रक्षाबंधन थ्रेड, उसको हाइड करने के लिए उसने एक एनवेलप का यूज किया, दैट एनवेलप इज योर कवर ऑब्जेक्ट, योर राखी इज योर सीक्रेट मैसेज। एंड वेन यू ओपन दैट, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। एंड वेन यू पुट योर रक्षा सूत्र इन दैट एनवेलप, that is called embedding. And message, now it is the secret information that is to be embedded in the cover object for safe transmission of information from a sender to the receiver side. Message, a simple message you want to send from sender to the receiver side, a simple kind of message. Now I'm opening my video so that I can explain some very basic concept. Everybody can see my video. Suppose this is the message you want to send. Okay, this pen is the message you want to send.
suppose this is the pen you want to send it. So this is the message you want to send. But if you cover that message inside anything, any envelope, suppose this is the envelope, and you will cover that object simply like this. So आपका जो original data है वो hide हो गया. Original data आपका hide हुआ. इसमें hide हुआ इस particular paper के अंदर, और इस particular paper को हम बोल रहे हैं cover object. और इसके अंदर जो data है, ये जो डेटा है इसको हम बोल रहे हैं स्टैगो ऑब्जेक्ट. और जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा जो स्टैगो ऑब्जेक्ट है और वो कवर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डाल दिया, देन यू विल जस्ट सेंड दैट डेटा. कोई भी जो इंट्रूडर होगा, कोई भी जो हैकर होगा, वो उस डेटा को रीच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है कि उसके अंदर क्या जा रहा है. क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि डेटा तो वाइट दिख रहा है. आई मीन डेटा इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट, बट द एक्चुअल डेटा इज इनसाइड दैट कवर ऑब्जेक्ट. दिस इज द एक्चुअल डेटा. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर स्टेगनोग्राफी. ठीक है, यहां तक समझ में आया कि सबको? यस मैम. है ना? Yes, समझ में आया? है ना? Yes, so, हाँ, तो इसमें क्या है, कुछ ओपन आपके ऑनलाइन सबको ऑनलाइन आपके ना कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप स्टेगनोग्राफी कर सकते हैं. तो स्टेगनोग्राफी में आपके कौन कौन से कीवर्ड यूज हो रहे हैं? कवर ऑब्जेक्ट, स्टेगो ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपकी एम्बेडिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारे के सारे चीजें क्लियर है आपको? सभी स्टूडेंट ना अपने नाम के साइड में अपने रोल नंबर लिखने, टू टू डिजिट वाले. तो कुछ जो टूल्स हैं जो कि ओपनली अवेलेबल हैं, इन यू कैन यूज इट राइट नाउ जस्ट बाय डाउनलोडिंग इट. एंड यू हैव टू सिंपल परफॉर्म प्रोसेस कि एक हम डेटा ले लेंगे जिसको हम कवर बनाएंगे, और एक डेटा हम ले लेंगे जिसको हम स्टैगो बनाएंगे और डेटा को सेंड कर देंगे. तो ओपन स्टैगो एक टूल है, openstago.com से आपको मिल जाएगा, ये टूल डाउनलोड हो जाएगा. कुछ इस तरीके की स्क्रीनशॉट इसमें दिखते हैं आपके. Data in this mode you can either hide the data file inside an image or extract the data from the image. ठीक है, data hiding में क्या कर रहे हैं, इस तरीके का इसका UI है data hiding का. मतलब you can hide your data, you can extract your data. In order to hide your data, first you have to select the message, whatever message you want to send. And in order to cover it, you have to send some cover image. यहाँ पर इसने क्या किया है, PNG फॉर्मेट आपको पता है किसका होता है, इमेज के लिए यूज होता है. TXT किसके लिए यूज होता है, आपके डेटा के लिए यूज होता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है. यदि मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर कवर ऑब्जेक्ट क्या है, कवर ऑब्जेक्ट का फाइल फॉर्मेट क्या है, तो क्या है कवर ऑब्जेक्ट का फाइल फॉर्मेट, कोई भी बोलो. कवर ऑब्जेक्ट का फाइल फॉर्मेट क्या है? कवर मतलब एनवेलप. कौन से एनवेलप के अंदर क्या चीज पहुंचा रहे हैं आप? एनवेलप मतलब यहाँ पर एनवेलप है इमेज. हम इमेज के अंदर मैसेज को छुपा करके सेंड कर रहे हैं. बात समझ रहे हैं आप? ये जो UI है, ओपन स्टैगो एक स्टेगनोग्राफी टूल है, इसमें डेटा हाइडिंग की जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मैसेज लिया जो हमें सेंड करना है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं सेंड करना चाह रहे हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ. हम क्या कर रहे हैं, इस मैसेज को एक कवर ऑब्जेक्ट के अंदर रख के, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, एक पेपर लिया उसके अंदर मैंने फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का पेन पहुंचाना मैं चाह रही हूँ, बट मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि कोई और देखे उसको. तो यहाँ पर कवर ऑब्जेक्ट क्या है, आपका इमेज है, कवर फाइल कोई भी इमेज हो सकती है. ठीक है, इसके बाद हमने उसमें इंक्रिप्शन लगाया, कोई भी आपको लगाना है तो लगाओ. आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है काफी सारे स्टेगनोग्राफी टूल, और आपने उसको हाइड कर दिया, मतलब इमेज के अंदर आपने टेक्स्ट डेटा को
हाइड कर दिया। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिंपल है, हमें अल्टीमेटली जो रिसीवर है उसको क्या मिलेगा, वहां पर रिसीवर को क्या रिसीव होगा, इमेज रिसीव होगी। लेकिन हमारा पहुंचाने का जो मकसद था वो क्या था, हम टेक्स्ट डेटा पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन टेक्स्ट डेटा किसके अंदर है, इमेज फाइल के अंदर है। तो हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन में प्रोसेस जस्ट रिवर्स हो जाएगी, एम्बेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ जस्ट इनपुट, गिविंग इनपुट टू द कवर इमेज और जस्ट हाइडिंग द स्टैगो इमेज इनटू योर कवर इमेज, व्हाइल एक्सट्रैक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एम्बेडिंग एंड इट विल जस्ट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग। You will receive the cover object and you have to extract the stego object from that. तो यहाँ क्या होगा, मैसेज क्या है, स्टेगो फाइल क्या आई, इमेज फाइल आई, ठीक है। उसमें जो भी हमने पासवर्ड डाला, जो भी आपने पासवर्ड मतलब जो भी की डाली आपने, ये की है तो मतलब हम डबल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं और वो आप उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई स्टेगनोग्राफी की। और भी कुछ ओपन टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टैग हाइड है, क्रैप्चर है, स्टेगनोग्राफ एक्स है, एसयूटिक्स सेल्स है, स्टैगन पेंच है, हाइड एंड सेंड है, मतलब ये सारे के सारे टूल्स जो हैं ये प्रोसेस करते हैं स्टेगनोग्राफी के लिए, ठीक है। मतलब स्टेगनोग्राफी की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ये सारे के सारे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका सिंपल कंसेप्ट समझ में आया ना सबको कि स्टेगनोग्राफी यदि एग्जाम में, एक्चुअली कि आपके सब्जेक्ट में भी है, ये थ्योरी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी के लिए भी काफी सारी एल्गोरिथम्स यूज होती है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होती है, ठीक है। तो आपको क्या आना है, सिंपल स्टेगनोग्राफी का अपन ने कंसेप्ट समझा है। मैक्सिमम सारे टूल्स तो कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि सारे टूल्स की कहानी तो एक ही है, वो एक कवर ऑब्जेक्ट लेंगे, स्टैगो ऑब्जेक्ट लेंगे और डेटा को हाइड करेंगे, एम्बेडिंग करेंगे सेंडर साइड से और आपका एक्सट्रैक्शन करेंगे रिसीवर साइड से, समझ रहे हैं सब लोग। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि किसी ने बोला एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी, तो समझ में आ रहा है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, स्टेगनोग्राफी क्या है, बताएं किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी, तो वहां पे लिखते बनेगा आपको। अभी तक यदि यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि यदि बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो एल्गोरिथम्स के कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएंगे। पूछ लें किसी को डाउट है तो। स्टूडेंट्स